अब देखिएगा यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा, देखिएगा जो रेडियस है वो हमें कितना मिल जाएगी, इसका हाफ कर देंगे, डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। मीन्स आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/2, यानी हमारे पास क्या मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ये अब अगर हम इसको उसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। देखिएगा तो अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें क्या मिल जाएगा, या तो हम इसको मीटर में कर ले, या हम इसको जो हमें हाइट दे रखी है उस हाइट के लिए हम क्या कर दें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हमने क्या किया, इसको मीटर सेंटीमीटर से मीटर में रहने देंगे। चलिए तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर, अगर हम इसको यहां करेंगे तो 100 से करेंगे डिवाइड, तो यहां पे क्या होगा, देखिएगा ये 0.202 सेंटीमीटर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर जो है वो क्या निकल के आ जाएगा, 0.2 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा ये 0.2 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल कितने के बाद आएगा, 1 2, तो यहाँ पे 1 2, यानी ये हमारा इतना दिखेगा, ये 2 0 ऐसे डेसिमल आया, लेकिन ये हम ऐसे राइट नहीं करते, डायरेक्ट 0.2 मीटर कर लेंगे इस तरीके से। अब हमारा आर मिल गया, हाइट जो हमें गिवन है वो मीटर में गिवन है, यानी 1 मीटर, ये इस तरीके से। तो अब हम क्या निकाल लेंगे, एल निकाल लेंगे, जो स्लेंट हाइट इसको कहते हैं। अब हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ गया, और इन प्लेस ऑफ आर हम क्या राइट करेंगे, 0.2 स्क्वायर, एच की प्लेस पे 1 राइट कर लेंगे। और देखिएगा अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 0.2 और 0.2 का, तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लीकेशन कर लेते 0.2 और 0.2 की, तो 2 2 जा मिलेगा 4 और डेसिमल 1 2 2 के बाद डेसिमल, यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 ही है। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 अपने पास से लगाएंगे, तभी तो 1 2 के बाद डेसिमल लगा पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0.04 + 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब इनको अगर प्लस करते हैं तो 1.04 हो जाएगा। इसमें क्या कीजिए, आप 1 प्लस करेंगे तो 1 में तो डेसिमल है नहीं, तो आप यहाँ पे 0 0 कर लीजिए, फिर से प्लस करेंगे तो 1.04 मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारा 1.04 हो गया। लेकिन 1.04 की जो वैल्यू है ये हमें कितना दे रखी है, 1.02, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी प्लेस पे वैल्यू लगा देंगे 1.02 मीटर। ये हमारी क्या निकल के आ गई, स्लेंट हाइट आ गई। अब क्या करेंगे, इस स्लेंट हाइट का यूज किसमें कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि जो पेंट किया जाएगा वो कर्व सरफेस एरिया में ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CSA पेंटेड ऑफ वन कोन। वन कोन में कितना एरिया पेंट किया जाएगा, कितने एरिया में पेंट होगा, तो हम क्या निकाल देंगे उसका, CSA निकाल देंगे वन कोन। तो CSA देखिए क्या होता, फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर और एल। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.14 लगाना है, जो कि मैं क्वेश्चन में ही दे रखी, दिखेगा। और रेडियस जो है वो कितना निकल के आई हमारी, 0.2, और स्लेंट हाइट कितना हमारा है, 1.02, इस तरीके से। अब इन सबका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते, देखिएगा अगर हम इसको 0 डेसिमल थोड़ी देर के ना माने, तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी 314 का, अगर 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 628। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 628 राइट कर लेंगे। और डेसिमल कितने के बाद होना चाहिए, देखिएगा 1 2 3 3 के बाद डेसिमल, 1 2 3, हम यहाँ पे डेसिमल अपना पुट कर देंगे। देन आफ्टर वी विल डू मल्टीप्लीकेशन 1.02। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे 1.02 से मल्टीप्लीकेशन, ये देखिएगा ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन भी आपको करके दिखा रखा है, और इस मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू ये है 0.64056, इस तरीके से यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ये वैल्यू 405 और ये 6। अब देखिएगा ये वैल्यू हमें मिल गई मीटर स्क्वायर में इस तरीके से। ये क्या निकला, ये एक कोन का एरिया जितना पेंट होगा वो निकल के आया,
अब ऐसे कितने कोन है, 50 कोन है, इसका मतलब 50 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 50 कोन के लिए आ जाएगा। तो सो दैट एरिया ऑफ 50 कोन्स, चलिए तो 50 से क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 0.64056 इस तरीके से। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा दिया है 32.02800 इस तरीके से। तो अब देखिएगा क्या करेंगे इसका, 32.0288 ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का निकालेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ अगर पेंटिंग निकालते देखिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए सो दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा देखिएगा, 12 से मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है मैं, तो क्या मिल जाएगा 32.028 ये इस तरीके से। तो देखिएगा अगर हम इसका 12 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसका जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 38, चलिए मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, 12 जीरो का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जीरो मिलेगा, फिर से करेंगे तो जीरो मिलेगा, 12 एट जा 96, 9 कैरी, 12 टू जा 24 और 24 ये हो गया, उसके बाद में क्या करेंगे 9, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 33, फिर से 3 कैरी 12 33 ये हो गया हमारा, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जीरो है देखिएगा यहाँ पे, ये जीरो से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 3 यहीं पे मिल जाएगा हमें, क्योंकि जो हमारा कैरी था उस कैरी को राइट कर लेंगे। उसके बाद 12 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करेंगे, 24 हुआ, 24 का 2 आ गया, कैरी में 4 राइट कर लिया, फिर 12 से 36 और 2 38 हो जाएगा इस तरीके से। तो 384 33 600, अब डेसिमल कितने के बाद पुट करना देखेगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहां पे आ गया, कहने का मतलब 384.33 रुपीस ये इसका फाइनल आंसर आएगा 50 कोन्स में पेंट करने का। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।